मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि यहाँ से आगे का पथ कठिनाइयों से भरा पड़ा है और यदि रणवीर सिंह के सैनिकों ने हम दोनों को एक साथ रूपनगर की सीमा पार करते हुए देखा तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ये नीच कार्य डाकू दुर्गेश्वरी ने किया है तो उसकी मृत्यु अब निश्चित है क्योंकि मैंने उसे जंगल में कहीं ढूंढ लिया है। ये आपने अति शुभ सूचना दी है। हम भी डाकू दुर्गेश्वरी को ही खोज रहे थे। तुम हमारे सैनिकों से चारों ओर से घिर चुकी हो। अगर अपने प्राण बचाना चाहती हो तो आत्मसमर्पण कर दो। लगता है हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, इसलिए दुर्गेश्वरी फिर से हमारे चंगुल से निकल गई। एक बार, सिर्फ एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना हम कैसे उससे चुन चुन कर बदला लेते हैं। हमारे सैकड़ों सैनिक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो उन्हें देखते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। महामहिम कुंवर परमवीर सिंह ने मंत्रीवर की दशा गंभीर होने की जो सूचना दी है उसे सुनकर मुझे प्रसन्नता के साथ साथ भय भी होने लगा है। ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? यदि रणवीर सिंह गंभीर रूप से अस्वस्थ है तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ है। हो सकता है वो कभी स्वस्थ ना हो और वैद्यराज की कुटिया में उनके प्राण निकल जाए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर तुम किस बात से भयभीत हो? महामहिम यदि मूर्छित अवस्था में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो कोई भय नहीं है, कोई नहीं। किंतु यदि मृत्यु से पहले उनकी मूर्छा टूट गई और उन्होंने सत्य परमवीर सिंह को बता दिया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। शुभ शुभ बोलो नागराज, शुभ बोलो और अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि रणवीर सिंह के नेत्र कभी ना खुले। यदि वो एक क्षण के लिए भी जग गए तो हम दोनों की बहुत दुर्गति होगी। और वो परमवीर सिंह, वो तो हमें राजमहल की दीवारों में जीवित चुनवा देंगे। महामहिम मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते करते थक गया हूं। मैं पता नहीं यमराज क्यों मंत्रीवर के प्राण लेने के नहीं आ रहे। अब तो हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, स्वयं को बचाने के लिए हमें स्वयं कोई योजना बनानी होगी। हम स्वयं अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? हमारे दोनों ओर मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि हम पीछे लौटे तो परमवीर सिंह हमें समाप्त कर देगा और यदि हम आगे बढ़े तो वो दुर्गेश्वरी हमें समाप्त कर देगी। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है हमारे जीवन के दिन पूरे होने वाले हैं। नहीं महामहिम, कदापि नहीं। मेरे पास एक योजना है। यदि उस योजना पर तत्काल कार्य आरंभ कर दिया जाए तो हम दोनों के प्राण बच सकते हैं और हमारे शत्रुओं का नाश हो सकता है। यदि तुम्हारे पास कोई योजना है तो शीघ्र बताओ नागराज, हमारे पास समय बहुत कम है। तो सुनिए महामहिम, यदि युद्ध भूमि में हम डाकू दुर्गेश्वरी के विरुद्ध युद्ध ना करके उससे मित्रता करने में सफल हो जाएं तो हम दोनों के प्राण बच सकते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है नागराज? युद्ध भूमि के बीच में जाकर हम उससे मित्रता कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है महामहिम, कौन सी बड़ी बात है? हम छुपकर डाकू दुर्गेश्वरी की सहायता करेंगे। हम उसे रूपनगर का ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे वो शीघ्र ही रूपनगर पहुंच जाएगी। और यदि एक बार वो अपने साथियों के साथ रूपनगर में प्रवेश कर गए तो हमारे ऊपर आया वो संकट अपने आप ही। हम समझ गए नागराज, तुम आज भी बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए हो। यदि हम दुर्गेश्वरी को रूपनगर की सीमा में प्रवेश कराने में सफल हो गए तो रणवीर सिंह के जीवित होते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उनका और परमवीर सिंह का सारा ध्यान दुर्गेश्वरी की ओर चला जाएगा और वो हमें छोड़कर दुर्गेश्वरी को पकड़ने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। और इस बीच महामहिम
इस बीच इस अफसर का लाभ उठाकर हम मंत्री व रणवीर सिंह और परमवीर सिंह के विरुद्ध कोई ऐसी योजना बना लेंगे जिससे सदैव सदैव के लिए उनसे छुटकारा मिल जाए। नागराज, आज तुमने हमारी समस्या का बहुत अच्छा समाधान निकाला है। रूपनगर का सम्राट बनते ही हम तुम्हें निश्चित रूप से अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। चलो, हमें रणभूमि की ओर जाना चाहिए। शब्द यात्रा, जिसमें रूबरू होते हैं अनेक साहित्यकारों से, नई नई किताबों से आपका परिचय कराते हैं। और अगर कहीं आपका दिल एक किताब से ना भरता हो तो आपको ले जाते हैं पुस्तकालयों के सफर पर। जीवन के अलग अलग रंगों की यात्रा, शब्द यात्रा देखना मत भूलिएगा। हर रविवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 11 बजे। प्यार से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बाल उठती है नई सी हलचल। ये आवाज सुनी आपने वहां से? महामहिम, वहां का दृश्य तो बड़ा ही डरावना दिखाई पड़ रहा है। महामहिम, चारों तरफ बारूद की गंध फैली हुई है, अग्नि के गोले बरस रहे हैं। मुंशी व रणवीर सिंह और दुर्गेश्वरी के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। महामहिम, अब हम क्या करें? अब करना क्या है? तुम्हें ये तो खाना, क्या हमें दुर्गेश्वरी की सहायता करनी होगी? अब तुम ही बताओ, हम उसकी सहायता कैसे करें? महामहिम, मैं नहीं जानता था कि युद्ध इतना घमासान छिड़ चुका है। किंतु आप चिंता मत कीजिए महामहिम, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य सोचता हूँ, अवश्य। अभी उपाय सोचने का समय नहीं है नागराज, हमें जो भी निर्णय लेना है वो इसी समय लेना होगा। यदि दूर से उस दुर्गेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ गई तो वो हमें शत्रु समझकर हम पर आक्रमण कर देगी। महामहिम, एक चाल सूझिए मुझे, एक चाल सूझिए। हमें तत्काल सैनिकों के बीच पहुंचकर युद्ध को रुकवा देना चाहिए। हाँ हाँ, रुकवा देना चाहिए। ये कैसी चाल है नागराज? यदि हमने रणवीर सिंह के सैनिकों को युद्ध रोकने के लिए कह दिया तो वो दुर्गेश्वरी हम सबको समाप्त कर देगी। महामहिम, मेरी बात तो सुनिए। यदि हम सैनिकों के बीच पहुंचकर युद्ध को रुकवा देंगे तो डाकू दुर्गेश्वरी को वहां से भागने का अवसर मिल जाएगा, और इस अवसर को पाकर वो रूपनगर में शीघ्र से शीघ्र पहुंचने का प्रयत्न करेगी। और यदि ऐसा हो गया तो हमारा कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। महामहिम, स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। महाराज, तुम्हारी योजना सटीक है, किंतु रणवीर सिंह के सैनिकों ने युद्ध रोकने से मना कर दिया तो क्या होगा? महामहिम, वो ऐसा साहस कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ना तो मंत्री वर रणवीर सिंह है और ना ही परमवीर सिंह, और वैसे भी सैनिक अब तक युद्ध करते करते थक चुके होंगे। वो आपको देखकर आपके आदेश का पालन अवश्य करेंगे। महामहिम, अवश्य करेंगे। नागराज, अब हमें आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। हम रणवीर सिंह के सैनिकों के सामने ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हम रणवीर सिंह के लिए अपने प्राणों की आहुति देने आए हैं। और समय मिलते ही चढ़ेंद्र रचकर दुर्गेश्वरी उसके साथियों को रूपनगर की सीमा में धकेल देंगे। चलो। है वो दुष्ट दुर्गेश्वरी? दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को हम अपने घेरे से बच कर नहीं जाने देंगे। कहाँ है वो? आप आ गए हुजूर, आपको देख के तो हमारा साहस जैसे वापस लौट आया है। अन्यथा मंत्री व रणवीर सिंह
और कुंवर परमवीर सिंह के बिना हमारे पैर तो जैसे लड़खड़ाने लगे थे। डाकू दुर्गेश्वरी हम पर भारी पड़ रही है हुजूर। धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम सब लोगों पर। इतने सारे सैनिकों के होते हुए तुम अकेले दुर्गेश्वरी का मुकाबला नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते तुम लोग? ये बात मंत्री पर रणवीर सिंह को पता चल गई ना तो तुम सबको मृत्युदंड दे देंगे, मृत्युदंड, समझे? नागराज ठीक कह रहे कायरो, उस दुर्गेश्वरी को समाप्त करने का एक क्षण का कार्य है जिसके लिए तुमने इतना समय नष्ट कर दिया। क्षमा करना हुजूर, अगर डाकू दुर्गेश्वरी अकेली होती तो हम उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर देते, किंतु हम विवश हैं क्योंकि डाकू दुर्गेश्वरी का साथ कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह और वो पशुराज दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है महामहिम, ये क्या हो रहा है? हमें तो केवल डाकू दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को पकड़ने का आदेश मिला था, हमें तत्काल वापस लौटकर कुंवर परमवीर सिंह जी से पूछ लेना चाहिए कि इस विजेंद्र सिंह का और पशुराज का क्या करना है। नहीं नागराज, यदि हम परमवीर सिंह की आज्ञा लेने वापस चले गए तो पशुराज सबको समाप्त कर सकता है। हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए हमें यही रुककर कोई योजना बनानी होगी जिससे हमें कोई हानि नहीं उठानी पड़े और हमारे शत्रु वो भी हमारे वश में हो जाए। आप सत्य कह रहे हैं महामहिम, एकदम सत्य कह रहे हैं। डाकू दुर्गेश्वरी यदि अकेली होती तो कोई बात नहीं थी, उसे पकड़ना आसान था, किंतु पशुराज को वश में करने के लिए कोई कूटनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि पशुराज को किसी शक्ति से नहीं अपितु अपनी किसी जाल में फंसाकर ही बंदी बनाया जा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, पशुराज की माँ शक्ति को पहले एक बार मैंने भी देखा है, उन्हें शस्त्रों से नहीं बल्कि किसी चाल में फंसाकर ही अपने वश में किया जा सकता है हुजूर। यदि तुम्हारी भी सहमति हो गई है तो हमें तत्काल हाथ गोलों के धमाके बंद कर देने चाहिए और शांतिपूर्वक बैठकर उस पशुराज को परास्त करने की योजना बनानी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्षमा कीजिए। यदि हमने युद्ध रोक दिया तो दुर्गेश्वरी और उसके साथी हमें पराजित समझ लगे। विक्रम सिंह, यही तो महामहिम की कूटनीति है। तुम अभी महामहिम के सामने नन्हे से अबोध बालक हो, नन्हे से। अब समय नष्ट मत करो और तत्काल अपने सैनिकों को युद्ध बंद करने का आदेश दो। तो सैनिकों, युद्ध रोक दिया जाए। अब कुछ क्षणों के लिए महामहिम को अकेला छोड़कर कोई योजना बनाने दो, तब तक हम देखते हैं कि डाकू दुर्गेश्वरी क्या करती है। ये रूपनगर के महामंत्री राजवीर सिंह के आते ही धमाके बंद क्यों हो गए? लगता है उनका गोला बारूद समाप्त हो गया है। नहीं दुर्गेश्वरी, उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद है, इसमें उनकी कोई चाल लग रही है। कुछ भी हो सकता है, किंतु यही अवसर है। अगर हम सावधानी पूर्वक छिपते छिपाते यहां से निकल गए तो रूपनगर आसानी से पहुंच सकते हैं। चलो। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। अवसर का लाभ उठाकर दुर्गेश्वरी अपने साथी और पशुराज के साथ रूपनगर की ओर निकल गई होगी। अब नाटक आरंभ करना चाहिए। अब हमें ललकार के दुष्ट दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह युद्ध रोक कर कोई चाल चल रही है। उधर से भी हथगोलों की आग की वर्षा बंद हो गई है। नागराज, तुम आगे बढ़कर उसे अंतिम चेतावनी दो। यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम उस पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देंगे। जो आगे महामहिम, डाकू दुर्गेश्वरी,
हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। रूपनगर के महामहिम राजवीर सिंह ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को चारों ओर से घेर लिया है। यदि तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अब डाकू दुर्गेश्वरी कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ रूपनगर की सीमा की ओर निकल चुके होंगे। डाकू दुर्गेश्वरी, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के भाग्य में केवल मृत्यु लिखी है, केवल मृत्यु। एक बार फिर सोच लो, यदि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो महामहिम तुम्हें क्षमा कर देंगे। हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं, यदि तुम्हें अपने और अपने साथियों के प्राण प्यारे हैं तो सामने आ जाओ, अन्यथा स्वयं यमराज तुम्हारे प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, हमें लगता है दुर्गेश्वरी और उसके साथी रण क्षेत्र में है ही नहीं। हम व्यर्थ में गोला बारूद बरसाकर हमारा समय नष्ट कर रहे थे। नहीं हुजूर, हमने खुद अपने नेत्रों से उन्हें देखा है। मुझे लगता है वो कहीं छुपे हुए हैं। मुझे लगता है दुर्गेश्वरी हमें छलने का प्रयत्न कर रही है। तुम्हें महामहिम की बात पर विश्वास नहीं है? जाओ, तुम दोनों वहां जाकर देखो डाकू दुर्गेश्वरी वहां छिपी है या नहीं। नहीं हुजूर, हम वहां जाकर अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते। क्यों? क्या तुम्हें डाकू दुर्गेश्वरी से भय लग रहा है? कैसे सैनिक हो तुम? एक महिला डाकू से डर गए? तुम्हें लज्जा तक नहीं आई? हम डाकू दुर्गेश्वरी से भयभीत नहीं है, हमें उस पशुराज से भय लग रहा है जो दुर्गेश्वरी के साथ है। पशुराज है तो क्या हो गया? क्या हो गया? यदि तुम्हें अपने प्राणों का इतना ही भय है तो तुम मंत्रीवर के सैनिक बने ही क्यों? तुमने महामहिम के आदेश को ठुकरा कर ठीक नहीं किया है। हम मंत्रीवर के स्वस्थ होते ही तुम्हें इसका दंड दिलवाएंगे। फिर भी तुम तो बहुत साहसी हो, तुम जाओ और जाकर दुर्गेश्वरी को खोज कर आओ। ये तो सैनिक कहलाने के लायक ही नहीं है। जाओ और जाकर इन्हें दिखा दो कि इस मिट्टी के शेर से तो तुम कहीं अधिक बलवान हो। जाओ। नहीं नहीं हुजूर, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मुझे जो जानकारी उस पशु के बारे में मिली है उससे मैं बहुत भयभीत हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम सब कायर हो नगराज, तुम जाकर देखो कि दुर्गेश्वरी वहाँ छिपी है या नहीं। महामहिम, ये आप क्या कह रहे हैं? आप स्वयं मुझे मृत्यु के मुख में भेजना चाह रहे हैं? मुझे? महामहिम, ये आप क्या कर रहे हैं? महामहिम, आपको याद है ना उसने मुझ पर किस प्रकार आक्रमण किया था? मैं किस तरह अपनी जान बचाकर भागा था मैं ही जानता हूँ। पिछली बार तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आ गया, किंतु यदि इस बार उस पशु ने मुझे अपने सामने देख लिया तो मेरे देवता भी मेरे प्राण नहीं बचा पाएंगे। महामहिम, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, यदि तुम सब अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। रणवीर सिंह के शत्रुओं को पकड़ने का कर्तव्य निभाते हुए यदि हमारी जान भी चली जाए तो हम खुशी खुशी हमारे प्राणों की आहुति दे देंगे। दुर्गेश्वरी, साहस है तो अपने साथ ले आओ।
दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपने बन का फ्लेवर। वाह वाह, क्या टेस्ट है। वैद्यराज जी, भाई जी का स्वास्थ्य तो अब दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। कहीं इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि भाई जी अब कभी भी। अशुभ मत सोचो कुंवर, हमने ये नहीं कहा कि मंत्री व रणवीर सिंह की स्मृति कभी वापस नहीं लौटेगी। हमने आपको यह बताया कि शेष पर भारी प्रहार होने से मंत्रीवर अपनी स्मृति खो चुके हैं। समय बीतने पर उनकी स्मृति वापस लौट सकती है, किंतु वो समय बीतने में पता नहीं कितना विलंब होगा। भाई जी के शत्रुओं ने हमें चारों ओर से घेर लिया है और वो हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने से हम तो बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं। वैद्यराज जी, आप चिंता मत कीजिए कुंवर, मंत्रीवर की स्मृति को पुनः वापस लाने के लिए हमें कुछ और प्रयास करने होंगे। जड़ी बूटियों के अतिरिक्त हमें उन्हें उनके बीते दिनों की याद को बार बार दिलानी होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस तरह हम मंत्रीवर की स्मृति को शीघ्र से शीघ्र वापस लौटा सकते हैं। भाई जी के जीवन और उनकी स्मृति को लौटाने की आस अब पूरी तरह आप पर निर्भर है। वैद्यराज जी, आप जितना चाहे प्रयत्न करें तो भाई जी को शीघ्र ठीक करते। जब कुटिया के अंदर भाई जी ने हमें देखने के पश्चात भी नहीं पहचाना तो हम भीतर से बुरी तरह टूट गए। हम आपकी कुटिया को सोने की गिन्नियों से भर देंगे। बस भाई जी की स्मृति एक बार लौटा दीजिए। हमें सोने चांदी से कोई मोह नहीं है कुंवर। यदि मंत्रीवर की स्मृति शीघ्र वापस लौट आई तो हम समझेंगे कि हमें सब कुछ मिल गया। ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी आपसे एक प्रार्थना है वैद्यराज जी, आपको इस समय हमें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन कुमार, हम कुछ समझे नहीं। भाई जी अपनी स्मृति खो बैठे हैं, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि भाई जी के शत्रु को इस बात का पता चल गया तो वो इसका पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे और रूपनगर के महल में त्राही त्राही मच जाएगी। आप निश्चिंत रहें कुमार, मंत्रीवर की स्मृति के लोप होने की सूचना इस कुटिया के बाहर कभी नहीं जाएगी। आपको एक कार्य करना होगा, समय समय पर आकर मंत्रीवर के बीते क्षणों की याद को बार बार दिलानी होगी। यदि हो सके तो आप उन्हें भी अपने साथ लाइए जो मंत्रीवर के बहुत समीप रह चुके हैं। इस समय भाई जी के समीप केवल हम ही हैं, क्योंकि इनके सारे विश्वास पात्रों से अब हमारा भरोसा उठ चुका है। वैद्यराज जी, एक बात का ध्यान रहे कि हमारी अनुपस्थिति में भाई जी से कोई मिलने ना पाए, क्योंकि इनके शत्रु मित्र बनने का ढोंग करके एक बार फिर इन पर आक्रमण कर सकते हैं। अब आपके अतिरिक्त मंत्रीवर से मिलने की आज्ञा किसी को नहीं मिलेगी कुंवर। आप निश्चिंत होकर अपना कार्य पूर्ण कीजिए, हम आपकी कृपा जीवन भर नहीं भूलेंगे। अधूरा युद्ध छोड़कर आए थे, देखते हैं रण क्षेत्र में क्या हो रहा है। चलो सैनिकों। ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करे।
राजवीर सिंह, क्या हुआ? युद्ध क्यों विराम हो गया? क्या तुमने दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को बंधक बना दिया? नहीं परमवीर सिंह, दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को हम अभी तक बंधक नहीं बना पाए। हमें लगता है वे का छिप गए हैं। यदि तुम उसे बंधक नहीं बना पाए तो युद्ध क्यों रोक दिया? और हमारे सैनिक उस ओर गोलाबारी क्यों नहीं कर रहे जिस ओर दुर्गेश्वरी और उसके साथी छुपे हुए हैं? उस ओर गोला बारूद फेंक कर अब कोई लाभ नहीं होगा। हमारे लगातार आक्रमण करने के पश्चात वहां से कोई उत्तर नहीं आया। इसका तात्पर्य यह हुआ, या तो दुर्गेश्वरी और उसके साथी मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वो वहां है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? दुर्गेश्वरी और उसके साथी को स्वयं हमने अपने नेत्रों से वहां छिपते हुए देखा है। वे इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। क्या तुमने वहां जाकर उनका शव देखा या यही खड़े खड़े युद्ध लड़े जा रहे हो? नहीं नहीं कुमार, ऐसा नहीं है। महामहिम ने स्वयं वहां जाकर दुर्गेश्वरी को खोजने की चेष्टा की, परंतु उन्हें वहां कोई नहीं मिला, कोई नहीं। और आपके ये सैनिक तो यहां से एक कदम भी हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और ये विक्रम सिंह और ये भैरवी, ये दोनों तो उस तरफ अपने नेत्र उठाकर देखने को भी तैयार नहीं थे कुमार। अब बोलो बोलो, सत्य बताओ, इस तरह लज्जा से अपना शीश झुकाए हुए क्यों खड़े हो? बताओ कि तुम्हारे कार्य को महामहिम ने पूर्ण किया है, बोलो। आज हमें बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि तुम्हारे भाई के कारण हमारा बना बनाया कार्य बिगड़ गया। यदि हम भाई जी को देखने नहीं जाते तो दुर्गेश्वरी और उसके साथी आज हमारे बंधक होते। आज हम एक जीती हुई बाजी हार गए हैं। यदि भाई जी को इस बात का पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। क्या मंत्रीवर के नेत्र अभी तक नहीं खुले? उनका स्वास्थ्य कैसा है कुंवर? हमें उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है। भाई जी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, किंतु वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही उनकी चेतना लौट आएगी हम उन्हें वापस महल में उनके स्थान पर जाकर बिठा देंगे। हमें सिर्फ उनकी चेतना को लौटने का इंतजार है। ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। हमें भरोसा है कि मंत्रीवर की चेतना शीघ्र ही लौट आएगी। हुजूर, युद्ध करते समय हमें मंत्रीवर की बहुत याद आ रही थी, बहुत याद, क्योंकि यदि वो इस समय यहाँ पर होते तो दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को पकड़ने में इतना समय कभी नहीं लगता। पता नहीं दुर्गेश्वरी अपने साथियों के साथ इस समय कहाँ छिपी हुई है। पुलिस हमें बलपूर्वक सुधारने की कोशिश करती है तो उससे हमारा अपमान होता है। अगर एक प्याली चाय पी लेने से भारत वर्ष का अपमान हो जाता है तो भारत को ऐसे अपमान की जरूरत है। बिनोय तुझे बहुत मानता है, लेकिन एक बुराई है जो हिमालय की तरह खड़ा हुआ है और गरज रहा है कि आत्मन हो वृद्धि। ऐसे और प्रभावशाली मित्रों के द्वारा मुझे इस हथकड़ी और हवालात से मुक्ति मिले, ऐसी मुक्ति मैं नहीं चाहता। दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपने बन का फ्लेवर। वाह क्या टेस्ट है। अब हमें रूपनगर की सीमा पर जाकर दुर्गेश्वरी और उसके साथियों पर अपनी दृष्टि रखनी होगी और इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी मूल्य पर दुर्गेश्वरी रूपनगर में प्रवेश ना कर पाए। दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को हम देखते ही समाप्त कर देंगे। अब देखना हमारे हाथों से एक भी शत्रु बच कर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब आपका साथ हमें फिर से मिल गया है। हमने हमारे शत्रु को जीवित पकड़ने की रणनीति को बदल दिया है राजवीर। अब हम केवल दुर्गेश्वरी को जीवित पकड़ना चाहते हैं और हमारे बाकी शत्रुओं को मृत्यु के घाट उतार देना चाहते हैं। यदि हम हमारे सारे शत्रुओं को जीवित पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमें बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। हम शीघ्र से शीघ्र हमारे संकटों से मुक्ति चाहते हैं। मैं आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ हुजूर। अगर हम अपने शत्रुओं को जीवित पकड़ने का प्रयास करते रहे तो बाकी शत्रु हमारे हाथ से बचकर निकल सकते हैं। हमें अवसर मिलते ही उन्हें एक एक कर समाप्त कर देना चाहिए। यदि आपका ये आदेश महामहिम को पहले मिल जाता तो महामहिम अब तक हमारे सारे शत्रुओं को समाप्त भी कर चुके होते, परंतु हम उनको जीवित पकड़ने के चक्कर में थोड़ा सा चूक गए। जो बीत गया उसे याद करके कोई लाभ नहीं होगा। भाई जी के स्वास्थ्य को देखकर अब हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे शत्रुओं को हम शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देंगे। एक बार
एक बार हमें विजयश्री प्राप्त हो जाए फिर हम युद्ध को छोड़कर अपना पूरा ध्यान भाई जी की सेवा में लगा देंगे, क्योंकि भाई जी को इस समय हमारी जरूरत है। वो अकेले पड़ गए हैं। भैरवी, तुम्हारा कार्य हमारे शत्रुओं पर अपनी दृष्टि जमाए रखना है। तुम उनके मार्ग की सूचना हमें देती रहना। जो आज्ञा हुजूर। पहले हमें अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए एक अंतिम योजना बनानी होगी, क्योंकि वहां पहुंचकर हमारे सैनिक ये ना सोचे कि उन्हें करना क्या है। करना क्या है? दुर्गेश्वरी को छोड़कर हमारे सारे शत्रुओं को समाप्त कर देना है और दुर्गेश्वरी को जीवित पकड़ के हमें सौंप देना है। क्षमा कीजिए कुंवर, हमारे ये बात समझ में नहीं आई कि जब आपने सारे शत्रुओं का वध करने का निर्णय ले लिया है तो आप अकेले दुर्गेश्वरी को जीवित क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि यदि आपने दुर्गेश्वरी को जीवित छोड़ दिया तो वो हमारे नेत्रों में धूल झोंक कर फिर से भाग जाएगी। महामहिम सत्य कह रहे हैं हुजूर, यदि दुर्गेश्वरी जीवित बच गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। वो रूपनगर के जंगलों में जाकर फिर से अपना गिरोह तैयार कर लेगी और हमें जीवन भर संकट देती रहेगी हुजूर, जीवन भर। इसलिए यदि दुर्गेश्वरी को भी समाप्त कर दिया जाए तो हमारे हित में अच्छा होगा। नहीं, दुर्गेश्वरी ने हमें बहुत पीड़ा पहुंचाई है, हम उसे इतनी आसान मृत्यु नहीं देंगे। जिसे भी दुर्गेश्वरी दिखाई दे वो उसे चेतावनी देगा कि यदि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो सूर्य प्रताप सिंह को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। हमें पूरी आशा है कि ये सुनने के पश्चात दुर्गेश्वरी आगे नहीं बढ़ेगी और हम उसे अपना बंधक बना लेंगे। जैसे ही भाई जी को होश आएगा हम उन्हें दुर्गेश्वरी का उपहार देंगे और भाई जी फिर उसे इतना तड़पाएंगे कि उसके पश्चात रूपनगर में कोई भी भाई जी के खिलाफ नेत्र उठाने का साहस नहीं करेगा। आज्ञा कीजिए सेनापति जी, सेवक के लिए क्या आदेश है? महाराज ने हमें याद किया दरबान, जाओ महाराज को यह सूचित कर दो रूपनगर के सेना प्रमुख महेंद्र सिंह पधारे हैं। जो आज्ञा सेनापति जी, आप सम्मान पूर्वक यहाँ थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी महाराज को आपका संदेश देकर वापस लौटता हूँ। लंबा समय बीता महाराज के दर्शन किए हुए, आज अचानक महाराज ने हमें याद किया, ये जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, किंतु ये सोचकर आश्चर्य भी हो रहा है कि उन्होंने हमें बुलाया क्यों है। इधर पधारिए हुजूर, महाराज आपकी राह देख रहे हैं। ठीक है दरबान, पर एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारे जैसे अनेक विश्वास पात्र गुप्तचर कहीं महाराज की सुरक्षा में ढील तो नहीं दे रहे ना? याद रखना, रूपनगर नरेश के शीश से टूटकर एक केश भी गिराना तो मैं तुम सबका शीश कटवा कर रूपनगर के जंगलों में फेंकवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए हुजूर, हमारे शरीर में प्राण रहते तक महाराज की परछाई को कोई शत्रु छू भी नहीं सकता। हमें तुमसे इसी प्रकार की आशा थी दरबान। रूपनगर नरेश को सेना प्रमुख महेंद्र सिंह का कोटि कोटि प्रणाम। सेनापति जी, हमें आपको यहां बुलाने का निर्णय अचानक लेना पड़ा, लेकिन हमें आपसे ये आशा नहीं थी कि आपके होते हुए हमारी अनुपस्थिति में रूपनगर की इतनी दुर्दशा होगी। एक सेना प्रमुख के होते हुए क्या आप ये नहीं जानते थे कि रूपनगर और रूपनगर के महल में क्या मनमानी चल रही है? आप ही बताइए कि इस कष्ट का दोषी किसे माना जाए? क्षमा कीजिए महाराज, रूपनगर की दुर्दशा के लिए जो भी दोषी ठहरा जाए, किंतु ये सत्य है, रूपनगर के साथ साथ रूपनगर के राजमहल में चल रही हुथल पुथल ने अब शीश बहुत ही ऊंचा उठा लिया है। यदि इस समय पर यह शीश नहीं कुचला गया तो हमारा पूरा साम्राज्य घोर संकटों में उलझ जाएगा। अगर आप रूपनगर की उथल पुथल के विशेष में इतनी गहराई से जानते थे तो हमें संकेत कर देते, किसी समस्या का शीश उठने से पहले हम उस शीश को अपने पैरों तले कुचलते थे। हम लंबे समय से आपसे भेंट करने की बहुत ही चेष्टा कर रहे थे महाराज,
किंतु महामंत्री के आदेश अनुसार आपके स्वास्थ्य के कारण हमें अनुमति नहीं मिल पाई। आज आपने हमें अचानक याद किया, हमें अपनी बात बताने का अवसर मिला है। हम भूल गए थे, महामंत्री को हमने आदेश दिया था कि जब तक हम ना कहें किसी को हमसे मिलने की अनुमति ना दी जाए। यदि स्वास्थ्य हमारा साथ देता तो आज ये विश्वासघात हमारे साथ ना होते। रूपनगर के दुर्दशा के लिए किसी सीमा तक हम भी दोषी हैं सेनापति जी। ऐसा मत कहिए महाराज, आप विवश थे, आपके बिगड़े हुए स्वास्थ्य के कारण आप चाहकर भी साम्राज्य के सारे कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। यदि आपने रणवीर सिंह को समीप बिठाकर इतना सम्मान नहीं दिया होता तो आज हमें उनके भाई परमवीर सिंह की इतनी मनमानी नहीं झेलनी पड़ती। इसी रणवीर सिंह के कारण हमें अपने अनेक सैनिकों के प्राण गंवाने पड़े और उसी के कारण एक तुच्छ महिला डाकू को पकड़ने के लिए गुप्त जंगलों में सेना की एक टुकड़ी भेजनी पड़ी। आपने पूर्व मंत्री रणवीर सिंह की मनमानियां क्यों सही? हमने तो उनको बहुत पहले ही पद से मुक्त कर दिया था और ये जानते हुए भी उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए हमारे सैनिकों को गुप्त जंगल में क्यों भेज दिया था? क्षमा कीजिए महाराज, पूर्व मंत्री व रणवीर सिंह घायल होने के कारण हम उनसे मिल नहीं पाए थे। उनके स्थान पर उनके भाई परमवीर सिंह आए थे और सदैव की तरह सैनिक लेकर चले गए। इसके पूर्व भी रणवीर सिंह आपके नाम का आश्वासन देकर सदैव हमसे हमारे सैनिकों की सहायता लेते रहे हैं। हमने कभी रणवीर सिंह को इसकी अनुमति नहीं दी, वो हमारे अस्वस्थ होने का फायदा उठाते रहे, इसका हमें पता चलने लगा है। रणवीर सिंह के मन में चल रहे खोट का हमें पता लग गया था, इसीलिए हमने उन्हें पदमुक्त करके उनके स्थान पर राजवीर सिंह को बिठा दिया था। किंतु लगता है कि राजवीर सिंह भी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय राजवीर सिंह कहाँ है? महामंत्री, राजवीर सिंह इस समय रूपनगर के गुप्त जंगलों में डाकू दुर्गेश्वरी को पकड़ने के लिए परमवीर की सहायता करने गए हैं। रूपनगर का एक मंत्री क्यों परमवीर जैसे बिना पद के व्यक्ति के साथ युद्ध पर गया? आप तत्काल जाकर युद्ध रुकवा दीजिए। आज के पश्चात रूपनगर में हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता नहीं हिलेगा। जो आज्ञा महाराज। खैरिये सेनापति जी, जाते जाते हमारे विश्वासपात सलाहकार श्री भवन सिंह को संदेश दीजिए कि हमने उन्हें तत्काल याद किया है। जो आज्ञा महाराज, हम श्री भुवन सिंह जी को शीघ्र ही आपका संदेश पहुंचा देंगे। प्रणाम। आइए हुजूर, महाराज आपके ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। आइए भवन सिंह जी, हमें जैसे ही आपका संदेश मिला हम आपके दर्शन करने के लिए चले आए। आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? हमें अपने स्वास्थ्य से अधिक चिंता हमारे रूपनगर राज्य की हो गई है भुवन सिंह जी, क्योंकि अधिकतर हमारे स्वामी भक्त अधिकारी
हमारे सबसे बड़े शत्रु हो चुके हैं। उन सब शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हमने आपको विचार विमर्श के लिए याद किया है। अब हमारी अंतिम आशा आप ही है। महाराज, आप अचानक अस्वस्थ हो गए और इसका लाभ उठाकर हमारे रक्षक, हमारे भक्षक बन गए। और मुझसे भी कुछ छुपा नहीं था महाराज, किंतु आपके अस्वस्थ होने के कारण हम भी जैसे अपंग हो गए थे और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। महाराज, आज रूपनगर में त्राही त्राही मची है। रूपनगर की प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। सारे मंत्री और अधिकारीगण दोनों हाथों से धन और शक्ति बटोरने में लगे हैं। हमें हमारे अधिकारियों और भ्रष्ट मंत्रियों का लेखा जोखा मिल चुका है। हम उन पर तुरंत अंकुश लगाना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक निर्णय लिया है जिसके लिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपका क्या निर्णय है महाराज, यह जानने के पश्चात ही हम अवश्य आपको अपनी राय देंगे। हमने निर्णय कर लिया है कि अब हमें तत्काल राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने महल में वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने शत्रुओं को परास्त करने में अकेले पड़ गए। इसलिए हमें राजकुमारी चंद्रमुखी की आवश्यकता है। आपकी क्या राय? आपने हमारे मन की बात कह दी महाराज। हम तो बहुत समय पहले ही आपको ये राय देने वाले थे, किंतु दुर्भाग्य से हमारी आपसे भेंट नहीं हो सकी। इसका तात्पर्य यह है कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं। अब हम राजकुमारी चंद्रमुखी के प्राणों की चिंता करते हुए उसे अपने से दूर नहीं रखेंगे। अब तत्काल हमारी सुपुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी को समीप बुलाकर अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। यदि आपने राजकुमारी जी को रूपनगर के महल में बुला लिया तो शत्रुओं के दांत खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता राजकुमारी चंद्रमुखी कौन है और कहाँ है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि वास्तविक राजकुमारी महल में लौट आई है तो वो अचंभित रह जाएंगे और फिर कुछ समय के लिए अपने षड्यंत्रों को भूल कर अपने बचाव के विषय में सोचेंगे। आप ठीक कह रहे हैं भुवन सिंह जी, ये कार्य हमें पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए था, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी के प्राण के बारे में सोचकर हम पीछे हट जाया करते थे, पर अब हम अपने मन से वो भय निकाल चुके हैं और चाहते हैं कि हमारी सपुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी अपने महल में वापस आ जाए और रूपनगर के महल में छुपे हुए शत्रुओं को खोज खोज कर उन्हें समाप्त कर दे। अब इस शुभ कार्य को आरंभ करने में अब और विलंब नहीं करना चाहिए और तत्काल राजकुमारी चंद्रमुखी को महल में बुला लीजिए। राजकुमारी चंद्रमुखी के महल में लौटने के पश्चात महल में छिपे सारे शत्रुओं को पता चल जाएगा कि वास्तविक में रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी कौन है। देख रहे हैं डीडी भारती।